नमस्कार, जेके न्यूज में आपका स्वागत है। तो आपको बता दें, यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत जो है काफी तैयारी में है। समीकरण सभी पार्टियां जुटाने में लग चुकी हैं। तो यूपी में भाजपा और सपा के लिए चुनौती बन सकती है ओवैसी और राजभर की दोस्ती। सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के मुखिया, ओम प्रकाश राजभर और ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की सियासी गलबहियां प्रदेश खासतौर पर पूर्वांचल में क्या असर डालेंगी और किस सियासी दल को नफा या नुकसान होगा, या तो वक्त की गर्त में छिपा है। लेकिन जिस जोश से दोनों ने प्रदेश में दौरे शुरू किए हैं, यह निसंदेह प्रदेश के दो बड़े दलों समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का सबब हो सकता है। कहना गलत नहीं होगा कि उनसे होने वाले नफे नुकसान के लिए दोनों ही दलों को जवाबी रणनीति बनानी पड़े तो हैरत नहीं होगी। ओवैसी और ओम प्रकाश ने मंगलवार को पूर्वांचल का दौरा शुरू किया है और वे आजमगढ़, जौनपुर और वाराणसी गए। दोनों ने ही आम आदमी पार्टी के साथ ही अन्य छोटे दलों जैसे शिवपाल सिंह यादव की प्रासपा और कृष्णा पटेल के अपना दल का साथ लेने की तैयारी की। वहीं पीस पार्टी ने फिलहाल अलग और अकेले मैदान में उतरने की बात कही। फिर भी इन छोटे दलों की सक्रियता से प्रदेश की सियासत में अच्छी हिस्सेदारी रखने वाली दो दलों समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती पैदा कर सकती है। पूर्वांचल की अन्य पिछड़ी जातियों में लग सकती है सेंध। भाजपा की बात करें तो भले ही पार्टी के बड़े नेता इस मुद्दे पर कुछ करने से कतराते हैं, लेकिन उन्हें इसका भली भांति भान है कि राजभर के जातीय समीकरण से उन्हें वर्ष 2017 के चुनाव में लाभ हुआ था। कहना गलत नहीं होगा कि ओम प्रकाश पूर्वांचल की करीब एक दर्जन सीटों पर, जहां अन्य पिछड़ों की जातियों जैसे राजभर, बिंद, निषाद, कुशवाहा, लोनिया, चौहान आदि तादाद में है, वे असर रखते हैं। वर्ष 2017 से पहले वह कौमी एकता दल के साथ चुनाव लड़ते रहे हैं और उनकी पार्टी इन सीटों पर अच्छे वोट हासिल करती रही है। और उनकी इसी अहमियत के मद्देनजर पार्टी ने वर्ष 2017 चुनाव से पहले ओम प्रकाश से गठबंधन किया। और यह बात दीगर है कि भाजपा से गठजोड़ करने से पहले उनकी पार्टी का कोई भी सदस्य विधानसभा नहीं पहुंच सका। भाजपा के पूर्व नेता कहते हैं कि पूर्वांचल में अन्य पिछड़ों के जातीय समीकरण का अपना महत्व है और अन्य पिछड़ों की ये जातियां जिस दल के साथ रहे उसे सियासी लाभ होगा और हुआ है। मसलन वर्ष 2017 से पहले सपा इन जातियों के सहारे सत्ताहीन होती रही और ऐसे में सुबह सपा की सक्रियता से भाजपा के ओबीसी वोट बैंक में सेध लगने के खतरे से इनकार नहीं किया जा सकता। ओवैसी से सपा को नुकसान की आशंका है। ओवैसी ने पूर्वांचल के अपने संक्षिप्त दौरे में मंगलवार को जहां भाजपा सपा दोनों को निशाने पर लिया, उन्होंने आरोप मढ़ा कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें पूर्वांचल में नहीं आने दिया। शायद यही वजह रही कि ओवैसी ने उसी रोज आजमगढ़ का दौरा तय किया। और जिस दिन अखिलेश यादव जौनपुर में थे, ओवैसी ने भाजपा पर कट्टरता की राजनीति करने की बात कही। उनके भाजपा पर हमलावर होने के चलते मुस्लिम वोट खासतौर पर युवाओं और धार्मिक राजनीति से भ्रमित होने वाले वर्ग के आकर्षित होने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट में सेंध का खतरा भी बना हुआ है। वहीं ओवैसी की भाषण शैली और भाजपा पर हमले को लेकर आक्रामकता से ध्रुवीकरण होने की भी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में यह भाजपा के लिए राहत की बात हो सकती है कि ओम प्रकाश से जहां उसे नुकसान की आशंका है, वहीं ओवैसी के आने से अपने पक्ष में ध्रुवीकरण की उम्मीद का सुखद एहसास भी। अब देखते हैं कि कौन किसकी वोट काटता है और क्या होता है आने वाले विधानसभा चुनाव में। तो इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें जेके न्यूज को और घंटी के ऑप्शन को दबाना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।